तालियों की आवाज के साथ मैं बुलाना चाहूंगा यहां पर नन अदर देन भारती रजौली एंड माधुरी सुनील वर्मा। जब कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं, डेस्टिनेशंस लॉन्च करते हैं, राइट, तो बहुत सारा एक्साइटमेंट वो डेस्टिनेशन सुनकर ही बढ़ जाता है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा 50 फॉरेन ट्रिप्स, बहुत सारे लोग नहीं होंगे भारत में जो ये कह सकें कि हमने 50 से ज्यादा ट्रिप्स क्वालिफाई किए हैं। इन सारे ट्रिप्स में से आपका बेस्ट ट्रिप कौन सा रहा है? ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना सारा हर बार का ट्रिप जो होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, वो दी बेस्ट होता है और उसके आगे का और भी दी बेस्ट होता है, तो मतलब ये बताना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मैं आपको मेरा अब भी लेटेस्ट लास्ट वाला कॉन्फ्रेंस बताऊंगी, वो दी बेस्ट था, लेकिन उसके लिए रीज़न भी है। और वो कौन सा था? अब भी जो हम होके आए अबू धाबी, दुबई, राइट। और उसके लिए आइसिंग ऑन द केक ये बात है, क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ पे सेटल्ड है फॉर लास्ट 20 इयर्स, और वो हर दम ये शिकायत करती थी कि तू कभी भी आती नहीं है मेरे पास, कभी भी रहती नहीं है, बस कंपनी के साथ आती है, कंपनी के साथ चली जाती है। और मैं उसे यही कहती हूँ, नहीं बाद में आऊँगी, बाद में आऊँगी। ऐसे करते करते 20 साल गए, आज तक मुझे वो मौका नहीं मिला, जबकि अबू धाबी भी इसके पहले 2 बार हमने जाके आए हुए हैं, लेकिन इस बार मैं जिप थी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था वो जितना मेरे से झगड़ा करने वाली है ना, क्योंकि लॉकडाउन में भी मैं नहीं जा पाई थी। सो मैंने उसको सीधा बोला था, तू डेट्स दे मुझे और मैं आती हूँ। एंड वी हैड अ लवली फैमिली ट्रिप। और अपना इसका नेक्स्ट टाइम जब हम गए, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी वो हमारी नेक्स्ट टाइम अबू धाबी की? PLC लाइफस्टाइल वाली। इसमें 4 टिकट से क्वालिफाई हो गई थी, तो फिर से बच्चों को साथ में लेके गई थी, फिर से उसके साथ में हमने एंजॉय किया, मतलब वी हैड अ लवली टाइम। मतलब मुझे लगता है मैं ऑलमोस्ट 1 महीना थी वहां पे। वाओ। और कौन सी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको मौका देती है 1 महीना वेकेशन लेने का, एंड दैट टू विद फैमिली? वंडरफुल। और उससे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ये मानती हूँ। हम ऑनलाइन ऑफलाइन पहले करते थे, इसीलिए मैं नहीं जा पाती थी, लेकिन अभी ऑनलाइन था इसीलिए मैंने जो भी काम करना था वो उधर से कर लिया, तो मेरे लिए वो और भी फ्लेक्सिबल हुआ। और एक फैमिली ट्रिप होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ओरिफ्लेम मैंने बिज़नेस एक्चुअली इसीलिए किया था, क्योंकि घर भी संभालूँ, बच्चों को भी, और सब ड्रीम्स पूरे करूँ। और मेरा, मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ कॉन्फ्रेंस को लेके, वो दिखता है। 50 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स जब आप क्वालिफाई कर लें तो वाकई आपका पैशन है, इसीलिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं। yes. नहीं कर रहे हैं तो आपने पूरा ओरिफ्लेम देखा ही नहीं है। तो मेक श्योर करिएगा कि अब आज के बाद जो भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है आप उसे ज़रूर क्वालिफाई करें। वेल, माधुरी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपने पहले 2 फॉरेन ट्रिप्स अभी लिए हैं, दुबई और अबू धाबी। एंड ऑफ कोर्स अबू धाबी में हमें याद है कि एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस था, राइट, जहां हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। तो आपके बिजनेस कॉन्फ्रेंस डे के एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर कुछ जानना चाहेंगे। बिजनेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना चाहूँगी, जस्ट वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और शब्दों में नहीं बता सकती। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, थीम हमारी है हार्ट टू हार्ट, तो मुझे बात करनी है हार्ट टू हार्ट, तो क्या मैं मराठी में बात कर सकती हूँ? Absolutely. एक्सपीरियन्स असा होता, फिरायला मला खूप आवडतं, बाहेर जायचं, फिरायचं, व्हिडिओज वगैरे काढायचे, तर
आता फिरणं म्हणजे माझ्या आयुष्यातलं ओरिफ्लेमच्या आधीचं, एखादा संडे बघायचा, ऑकेजनली काहीतरी सुट्टी असेल मग मिस्टरांना रिक्वेस्ट करायची, चला ना कुठेतरी फिरायला जाऊन येऊ, कोणाचा तरी स्टेटस बघायचा, अरे हे कुठेतरी फिरायला गेले आपण पण जाऊया. तर मग फिरणं म्हणजे काय होतं, सकाळी जायचं संध्याकाळी यायचं. आणि त्याच्यानंतर मग जायचं कुठे, एखाद्या मिसळ पॉईंटला जायचं, काहीतरी हॉटेलला जायचं, घरात कोणाचा बड्डे असेल काहीतरी आउटिंग करून यायचं, काही पावसाळ्यात गेलं एखाद्या धबधब्यावर जायचं. एवढंच माझं आयुष्य होतं. पण फिरायला तर आवडतं, तर फिरायचं आहे मग ते स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न पूर्ण झालं माझं ओरिफ्लेममध्ये. आणि येस, मी खरंच सांगेल की माझ्या या पासपोर्ट मुद्दाम मी दाखवायला आणला. पासपोर्ट काढण्याची संधी मला मिळाली ती ओरिफ्लेममुळे. आणि कदाचित तुम्हाला हसायला येईल, मुंबई एअरपोर्ट आपण कधी बघतो, कधी फॉरेन ट्रिपला जाणार तेव्हा. मी मुंबई एअरपोर्ट बघितला तो ओरिफ्लेमच्या ह्या कॉन्फरन्समुळे. तो जो मुझे समझ में आया है कि मैं मुंबई एअरपोर्ट पहली बार गई, पासपोर्ट मेरा ओरिफ्लेम की वजह से बना, राइट? समझ सही आया है तो तालियां बजा सकते हैं. एंड मेरे मिस्टर अब बहुत खुश हैं. मेरे हस्बैंड बोलते मला ते सक्त ताकीद देता, एक टिकट ने नहीं जायचं, दोन टिकट क्वालिफाई करायचे. और अब हस्बैंड कह रहे हैं कि दो टिकट से ही क्वालिफाई करना, अकेले एक टिकट से काम नहीं चलेगा. मराठी आती है मुझे. वेल, कॉन्फ्रेंसेस बहुत बहुत खास होती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं. और जब 50 कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो यानी ये एक अपॉर्चुनिटी भी है बहुत सारे ग्लोबल लीडर से मिलने की, राइट? तो आई एम श्योर आप भी अपने इन 50 कॉन्फ्रेंसेस के दौरान बहुत सारे ग्लोबल लीडर से भी मिले होंगे. तो कोई एक शेयरिंग ग्लोबल लीडर से जो आपने सीखा समझा, जो आज आप शेयर करना चाहें. हाँ ज़रूर. मुझे याद है कि पहला हमारा कॉन्फ्रेंस था शंघाई में था, और तभी बहुत सारे जो क्वालिफायर्स, मतलब ऐसा सपना था ना कि चलो पहले कॉन्फ्रेंस में हम जा रहे हैं. तो मैं थी, मेघा थी, गीता जी थे, ऐसे बहुत सारे सभी लीडर्स न्यू, और हम एक दूसरों के इतना जानते भी नहीं थे. और ऐसा था ना कि कोई इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनली जाने के लिए. तो हर कोई अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के था कि चलो, एक टीम वर्क बना था हमारा वहाँ पे. और तभी ही हमें वहाँ पे इंटरनेशनली कुछ लीडर्स मिले थे. और तभी क्या होता था ना, अभी कम से कम 20 साल पहले की बात यह है कि लीडर्स बहुत कम हुआ करते थे, तो बाउंडिंग बहुत जल्दी होती थी. तो तभी ही एक इंडोनेशिया की लीडर थी और शहरी करके, तो वो हर दम, हमको लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको टूटा फूटा इंग्लिश आता था, हम भी थोड़ा समझ लेते थे, और ऐसा ही अंडरस्टैंडिंग था. बस समझता था वो स्टेज, समझता था वो लेवल्स, और हम सिर्फ यही बोलते थे कि मेरे इतने लोग लेके आई हूँ और तुम कितने लोग लेके आई हो. और नेक्स्ट टाइम हम कमिटमेंट करते थे कि आपको भी ये लेवल करना है, मुझे भी ये लेवल करना है. और हम हर साल जब जाते थे ना, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाते थे. तो ये क्या होता था ना, एक ट्रेडिशन का भी एक एक्सचेंज होता था, मिलना होता था. वो वहाँ का कुछ हमें देते थे, हम उनको देते थे. इवन सच बोलूँ तो हम कैटलॉग एक्सचेंज करते थे. तो भारत का असली नाम रोशन इन्होंने किया है. तो हम कैटलॉग लॉन्च कर एक्सचेंज करते थे, तभी हमें ये पता चलता था कि वहाँ पे कौन से प्रोडक्ट है और वो कितने में बिकते हैं. और फिर ये समझ में आता था, अरे अब हमारे इंडिया में भी ना बाद में ये प्रोडक्ट आने वाला है. तो ये मैसेज हम पहले ही नेटवर्क में दे देते थे कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं. तो हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, तो वैसे ये वाला बहुत अच्छा प्लस था. सो आई थिंक एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को देख कर इंस्पायर हो रहे हैं. और इसीलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बने, और कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज़रूर मिस ना करें.
वेल माधुरी, आपने अभी दो ही कॉन्फ्रेंस क्वालिफाई किए हैं एंड आई एम श्योर आप एक्साइटेड हैं बाकी सभी कॉन्फ्रेंसेस को भी क्वालिफाई करने के लिए. तो इस वक्त आपके एक्शंस क्या हैं और कैसे आप इंश्योर करेंगे अब कि अकेले से ये सफ़र बहुत सारे लोगों का हो जाए और एक पूरी टीम के साथ आप क्वालिफाई करें इन कॉन्फ्रेंसेस को? एक्चुअली ये क्वेश्चन अब पहले पूछना चाहिए था. क्या हुआ जब दुबई और मराठी सांगा. हाँ, दुबई आणि अबुधाबीचं जे क्वालिफिकेशन आलं तर सगळ्यात पहिले पहिला विचारचक्र सुरू झालं, मी किती लोकांना घेऊन जाईन. माझ्या मनात हा विचार नाही आला, मी कसं क्वालिफाय करेल, मला करायचं होतं, मी किती लोकांना घेऊन जाईल. आणि येस, मी प्राऊडली सांगेल माझी ती फर्स्ट दुबई कॉन्फरन्स असेल किंवा अबुधाबी असेल, दुबई कॉन्फरन्सलाच मी माझ्याच टीम लीडरसोबत विथ हजबंड आम्ही क्वालिफाय झालो दुबई कॉन्फरन्स. म्हणजे त्यांची पण पहिली फॉरेन ट्रीप आणि माझीही पहिली फॉरेन ट्रीप. आणि दुसऱ्यांदा अबुधाबी क्वालिफाय झाले माझीच टीम मेंबर चित्रासोबत, आणि दुबईसोबत आम्ही अबुधाबीसुद्धा एन्जॉय केलं. आणि येस, एक एक्सपिरियन्स असा होता की आता फॉरेनमध्ये जाणं फिरणं तर तिथे पैसे किती खर्च होतात, आणि इंडियाची करन्सी ॲज कम्पेअर टू बाहेर देशाची, तर जेव्हा तुम्ही स्वखर्चाने जाता तेव्हा विश्वास बसला ओरिफ्लेम आपल्यावर. पैसे खर्च करताना जर कंजूसी करत नाही तर आपण मेहनत करताना कंजूसी का करतो? तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, ओरिफ्लेम से भर भर कर पैसा आएगा. वेल, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि आप जब क्वालिफाई करें तो आपकी फैमिली भी आपके साथ ट्रैवल करना शुरू कर देती है, और ये सबसे प्राउड फीलिंग है कि जब फैमिली वाले आपको देख रहे हैं इतनी सारी अचीवमेंट के साथ और आप उनको एज रिवॉर्ड अपने साथ इन ट्रिप्स पर लेकर जा रहे हैं, तो जो सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है. तो जो मैनेजर्स एंड अबव यहाँ मौजूद हैं और जो ये सोचते या कहते हैं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, बस अब आपको ये इंश्योर करना है कि ट्रिप्स पर फैमिली मेंबर्स को ज़रूर लेकर जाएं और क्वालिफाई करें मल्टीपल टिकट्स के साथ. वेल, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, आपके क्लब का नाम है उड़ान क्लब, कहीं ये फॉरेन ट्रिप्स की वजह से तो नहीं है? राइट, फ्लाई हाई विद उड़ान क्लब, राइट? तो आप अभी इतने सारे ट्रिप्स जो शुरू में अकेले लेते आए थे, बाद में एक बड़ी टीम आपके साथ ट्रैवल करने लगी. मैंने देखा किस तरीके से उड़ान क्लब और लीडर्स दुबई में हंगामा मचा रहे थे. तो ये जो एक्सपीरियंस है पूरी टीम के साथ क्वालिफाई करने का, ये कैसा है और क्या आप एक्शन लेते हैं टू इंश्योर कि टीम का हर सदस्य ट्रैक पर रहे इन कॉन्फ्रेंसेस के लिए? वेल, मैं जब भी कॉन्फ्रेंस से लौटती हूँ ना, तो मैं खुद ही इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि सबसे पहली मैं लैंड करने के बाद में मेरी एक मीटिंग रहती है, कोर टीम मीटिंग, और उस मीटिंग में जो भी मैं हूँ या मेरे लीडर्स हैं सब साथ में, हमारी उस मीटिंग में सब कोई अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्साइटमेंट. अभी पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन इतना नहीं था तो सिर्फ लोग फोटोज़ देखते थे, लेकिन अभी कैसे ना, सोशल मीडिया की वजह से हमें सब इमीडिएटली इंस्टेंट पता चल जाता है सबको कि ये लोग कहाँ हैं, कैसे मज़े कर रहे हैं, और तभी फिर उनकी एक्साइटमेंट बढ़ा देना है और उनके क्राइटेरियाज़ क्लियर करना है कि किसको किसको आना है, कितने लोग आना चाहते हो. पहले आप अपना ड्रीम सेट करो, ड्रीम सेट करने के बाद में सोचो कि वो कैसे करना है. अगर हमने डेस्टिनेशन, आज अगर मुझे यहाँ से उठ के बैंकॉक जाना है, मैंने टिकट ही नहीं लिया या मैंने प्लान ही नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा कि मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी? तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन द एग्जीक्यूशन, और जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं. तो अभी मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आ रहा है, बताऊँ ना? तो एक किस्सा ऐसा है कि जब मैं कॉन्फ्रेंसेस करती थी, तो हमें शुरू के कॉन्फ्रेंसेस में ऐसी आदत थी कि जो पूरी टीम पहले करते थे ना, हम अकेले होते थे, तो हम जो करेंसी यहाँ से लेके जाते थे, तो आते वक्त वहीं पे वो करेंसी हम एक्सचेंज करके इंडियन रुपीज़ में लेके आते थे. ये एक ही ट्रिप में ऐसे मैंने किया, और नेक्स्ट ट्रिप में जब मैं बोली हाँ ज़रा ट्रॉली किसी को बोला, मैंने पकड़ो, मैं ना एक्सचेंज करके आती हूँ, तभी मेरे मेंटर ने मेरा हाथ पकड़ा
क्यों नेक्स्ट टाइम नहीं आना है? एंड आई वॉज शॉक्ड. आई सेड यस, मुझे नेक्स्ट टाइम भी आना है इस कंट्री में. और तभी से बिलीव कीजिए, आज मेरे पास कम से कम 10-15 कंट्रीज के करेंसीज के पैकेट्स हैं. मैं सिर्फ लेती हूँ, कभी एक्सचेंज नहीं करती, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप फिर से जाने वाले हो. एब्सोल्युटली राइट. एंड वाकई ओरिफ्लेम आपको जगहों पर बार बार लेकर जाता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेज इतने एक्सक्लूसिव होते हैं कि एक बार में हम सारी कंट्री को कवर ही नहीं कर पाते, और जब दूसरी बार जाते हैं तो उसे एक और नए नज़रिए से देखकर एक नया एक्सपीरियंस लेकर वापस आते हैं, और तब ये करेंसी काम आती है. वेरी राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस विद अस. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Bharti Rajoli.